तुम ये क्यों खाए? जो जाकर अपने काम करो। घर को ताला क्यों लगा है? चाचा तुम बाहर क्यों बैठा है? तुमको तो सब पता है ना, फिर हमसे क्यों पूछते है? क्या पता है? तुम क्या कहता है हम समझा नहीं। हम सब समझ के आए। रेशम कहाँ है? रेशम मर गया, खून कर दिया उसका मैंने। जाओ यहाँ से। अगर फिर कभी तुम हमारा घर का इधर उधर भी नजर आए ना तो। क्या हुआ, तुम क्यों रो रहा है? वो रेशम के अब्बा ने उसका कत्ल कर दिया, मार डाले उसको जान से। पलोशा अंदर चलो, ऐसा बात इधर कड़ो के मत करो, अंदर चलो जल्दी जल्दी, चलो चलो जरदाब अंदर चलो चलो। तुम यहाँ क्यों आए? हमारा उससे क्या वास्ता? वो मरे या जिए, तुम जाओ यहाँ से। लोगों को शक हो जाएगा तुमको यहाँ देख के। अम्मा एक मिनट के लिए चुप हो जाओ, हमको पलवशा से बात करने दो। तुम हमको बताओ, तुमको कैसे पता है कि रेशम का खून हो गया? क्या तुमने उसका लाश अपनी आंखों से देखा है? तुमको उसके बाबा ने बताया था। किधर मिला था तुमको वो? अपने घर के दरवाजे पे खड़ा था, हमको कहने लगा हमने रेशम का खून कर दिया है। दिलावरा चाचा शफीउल्ला, तुम इस वक्त? हाँ मैं, शराफत से तुम्हारे घर के दरवाजे पे आकर तुमसे बात कर रहा है। तुम लोगों की तरह बेगैरत नहीं है जो बुजुर्ग लोग की तरह चुपकर पीछे से वार करते हैं। हिम्मत है तो सामने आकर बात कर, तुम लोगों तो गांव की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। ओ चाचा, इज्जत से बात किया था ना, तुम्हारा घर आया था, अपने भाई का रिश्ता मांगा था तुमसे। मुझको उसी वक्त समझ लेना चाहिए था कि यह तुम्हारा भाई है जो गांव की लड़कियों की इज्जत का तमाशा बना रहा है। आज चुप गया बुद्धिलों की तरह, हिम्मत है तो सामने आए मेरा। हिम्मत उसमें है, तुम जिधर बोलेगा उधर उसको लेके आ जाएगा, सबका सामने बात करेगा। अगर तुम बोलेगा तो गांव के बीच में खड़े होकर भी बात करेगा। मगर तुम हमको एक बात बताओ चाचा, तुम अपना बेटी का बात सबके सामने करेगा? कभी नहीं करेगा। देखो रेशम का शादी हो जाए। फिर देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या काम करता हूं, सॉरी जिंदगी के लिए पछताओगे। ओ चाचा अब इधर ही है, किधर भी नहीं जाता, जो करना है कर ले। ओ
खुदा का शुक्र है कि वो जिंदा है। तुम क्या समझता है शफीउल्लाह अपना नुकसान करवाएगा? कभी नहीं करवाएगा। आप सुकून हो गए, मुझे कोई खतरा नहीं है, मैंने उसका काम तमाम कर दिया। किसका बात कर रहे हैं आप? बानी नहीं बना, तुमको सब पता है कि मैं किसका बात कर रहा हूं। जरदा? हाँ, हमने उसको रात खत्म कर दिए। हमको उस पर शक तो पहले से था, रात हमको मिला हमने उसको मार के दरिया में फेंक दी। ये तुम क्या कह रहे? तुम हमारे इज्जत को खाक में मिलाकर उसके साथ भाग रहा था ना? हमने तुमको इतने से पोल पोस कर बड़ा किया, हमारा कोई इलाज नहीं, कोई एहसान नहीं। तुमने हमको औलाद नहीं कुर्बानी का बकरा समझ के पाला, हमको खिला पिला के जवान किया था कि हमारे ऊपर अच्छा कीमत लगे। तुमको सिर्फ पैसों का वास्ता हमारा खुशी का नहीं है, हमारा खुशी का होता ना तो हमारा मर्जी का शादी कराता। शरीफ होते हैं सब बात जबान पे लाने से पहले मर जाता है। तुम हमारा सामने खड़ा होकर बोल रहे कि तुम्हारा और चुका क्या मर्जी होता है? मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं वो करूंगा जो हमारा मर्जी। अगर तुमने ज्यादा आपको मारा तो हमको भी मार दो, वरना हम खुद अपना जान ले लेंगे। तुम तो हमारे लिए कब का मर चुके, अब तो छोड़ दिन बात, हम तुमको इस घर से रुखसत कर देगा। तुमने हमको जो तकलीफ दी है ना, जो तकलीफ दी है ना, तो हम तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखेगा। एक बात बताएगा तुम? पूछ। अगर हमें एक नहीं हुआ तो फिर? ये बात तुमसे हमने कई बार बोला है, जिंदगी खुदा का नेमत, उसको हम इतना जल्दी मौत का हवाले नहीं करें। तो फिर क्या तुम बिछड़ के जी लेगा? बिछड़ने का सोचकर हम अंदर से मर जाता है तो रेशमी हम जिएगा कैसे? तो फिर तुम क्या करेगा? अब हम तुमसे एक बात पूछें।
पूछो। क्या एक होने के लिए शादी जरूरी है? शादी तो दिखावा है। जिस तरह दुनिया हमारा अंदर नहीं झांक सकता, उस तरह वो हमारा मोहब्बत का ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता। वो हमको अलग करके मार तो सकता है, लेकिन जिस तरह हमारा रूह ने एक दूसरे को कबूल किया है, उसको कौन अलग कर सकता है? तुम सब बाहर जाओ, बारात आ गया। अनुषा, तुम यहाँ क्या कर रहे? बाबा ने तुमको इजाजत कैसे दी? आज तुमको कोई भी रोक नहीं सकता था, हमको तो यहाँ आना ही था। तुमसे वादा जो किया था, तुम्हारी शादी में तुमको अपने हाथों से दुल्हन बनाएगा। वो बातें छोड़ो, हमको ये बताओ सरताप कैसा है? सरताप ठीक है। बहुत डर गया था, बाबा ने कहा था कि उसने उसको गोली मार के दरिया में फेंक दिया, लेकिन बाबा को सरताप के बारे में बताया किसने? गलती हमसे हुई है। ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुमने बाबा को सरताप के बारे में क्यों बताया? तुम चले जाओ यहाँ से। तुम क्यों आए हमारे पास? तुम जाओ यहाँ से। हमसे तुमसे ये उम्मीद नहीं था। तुम क्या बात कर रहे हो? हमको बताओ, तुम नहीं चाहता हम साथ? तुम चले जाओ यहाँ से, हमको तुमसे बात नहीं करना। तुम आइंदा हमको अपना शक्ल नहीं दिखाना। ये तुम हमारे साथ कैसा कर सकते? जाओ यहाँ से। इश्क की राहों में जो भी दर बदर फिरे, सुना है हर दुआ उसी की ही असर करे। जाना तेरे दर से आ मिले जो रास्ते चले, थे बड़े कठिन मगर जो फासले मिले। गम ही मिले हैं इश्क के बाजारों में, छाई रही खिजा हम पे बहारों में। जिसे है रोक के रखा हुआ, जिसे है रोक के रखा हुआ, इन खुश्क सी आंखों में समंदर छुपा गम भरा। जा कुर्बान जाना तुझे जाना। क्या सोचता है रेशम? तुम्हारा किस्मत में यही लिखा है, अब इसको अपना घर समझो। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा असली घर। यहां से बाहर सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है कब्रिस्तान का रास्ता। और हमारा अपना जिंदगी कौन सा जिंदगी? तुम किसका बात कर रहे हैं? अपनी मोहब्बत का, सरदाब का? उसको तो खुदा ने तुमसे छीन लिया। क्या तुम खुदा से लड़ेगा? तुम्हारा पीछे है कौन? तुम्हारा बाप जो तुमको लाश समझ के दफना चुका है, या तुम्हारा इकलौता दोस्त पलवशा जो तुम्हारा राज का हिफाजत ना कर सका, तुमको दगा दिया? तुम हमारा बात मानो, सब कुछ भूल जाओ, अब इसको अपना घर समझो।
इसने तुम्हारा भला ही है। अगर तुम अपना शोर का दिल जीत जाएगा ना, तो तुम इस घर का मालकन बन जाएगा। तो बहुत हसीन हो वल्ला, जितना सोना था उससे कहीं ज्यादा हसीन हो। ये तो ठीक नहीं हुआ, इतनी हसीन दुल्हन को छोड़कर दुबई जाने को तो मेरा दिल नहीं करता। तुम बोलती हो गूंगी तो नहीं हो ना, तो फिर कुछ तो बोलो, मैं भी तो तुम्हारी आवाज सुन। हम क्या बोलेगा, जितनी तुम हसीन हो उससे कहीं ज्यादा मीठी तुम्हारी आवाज। जब दुबई से मैं तेरे से फोन पर बात करेगा ना, तेरी आवाज सुनकर मेरी सारी थकान उतर जाएगी। तो फिर हमको अपने साथ ले जाओ ना। सच मैं तुमको साथ तो ले जाऊं, लेकिन माँ और बाबा तुमको साथ लेकर जाने नहीं देंगे। हम तुम्हारा बीबी है, तुम्हारा पीछे ही आए हैं। हाँ ये तो सच है, लेकिन तुम पर बहुत खर्चा हुआ है और उसमें माँ बाप ने अपना हिस्सा डाला है। माँ ने तो अपने गहने भी बेच दिए और बाबा ने अपनी बंदूक बेची है। अपनी बंदूक भी कोई बेचता है वाला? माँ बाप ने इसलिए मेरी शादी कराई कि इस उम्र में उनको आराम की जरूरत है। तुम दिल छोटा मत करो, मैं साल में एक बार 15 दिनों के लिए जरूर आऊंगा। तुम बहुत हसीन है।